हेलो एवरीवन, बेसिकली दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल दोज जिनको मैथ्स में डिफिकल्टीज आ रही है या यहाँ से हमारे पास सिर्फ 2 महीने है राइट। तो इस 2 महीने में हम प्रेपरेशन किस वे में करें कि हमारा सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाए। ओके तो सबसे पहले ना ये चीज़ समझ लो कि हमारे पास मैथ्स में 120 क्वेश्चन हैं और स्कोर कितना आता है फिर उसका 300 राइट। और कट ऑफ हमारा जाता है कितना है, वी हैव कट ऑफ जस्ट 80 to 90 हमेशा वो उसी रेंज में वो ऑसिलेट फ्लक्चुएट करता हुआ फिरता है राइट। अगर तुम 120 में से सिर्फ 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो, सिर्फ 40, यू विल एंड अप स्कोरिंग 100 मार्क्स और 110 मार्क्स ज़्यादा है हमारे कट ऑफ से। या अगर तुम सिर्फ 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो, यू विल एंड अप स्कोरिंग 125 विच इज़ मच मोर देन योर कट ऑफ राइट। 90 कहाँ पे, 125 कहाँ पे। बट आई नॉट सजेस्ट कि तुम सिर्फ 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, यू नीड टू मेक श्योर दैट यू अटैम्प्ट एटलीस्ट 60 to 70 क्वेश्चन। नाउ टॉकिंग अबाउट द अप्रोच या द स्ट्रैटेजी दैट वी नीड टू फॉलो फॉर द नेक्स्ट 2 months दैट विल हेल्प अस अटैम्प्टिंग 60 or 70 क्वेश्चन स्ट्रेट अवे। तो ना यहाँ पे ना बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि हम यहाँ पे चीज़ों को लेके ना बहुत टेंस्ड है। और हम यहाँ पे चीज़ों को लेके टेंस्ड क्यों है, क्योंकि हमें यहाँ पे चीज़ें समझ नहीं आ रही है। देखो यहाँ पे आई विल टेल यू समथिंग दैट इज़, पेपर को क्लियर करना इज़ नॉट डिफिकल्ट। तुम्हें चीज़ें समझ आनी चाहिए। तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो कि यार 120 में से इतने क्वेश्चन करने कैसे होगा कैसे होगा। तुम बहुत स्ट्रेस में हो, तो इन चीज़ों को साइड में रखो। तुम ना थोड़ा सा लॉजिकल वे में सोचोगे ना, तुम्हें समझ आएगा कि भाई क्लियरिंग कट ऑफ इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। ओके यू नीड टू जस्ट अटैम्प्ट 50 to 60 क्वेश्चन अच्छे से। तो और उसके लिए प्रेपरेशन तो अच्छी खासी लगेगी। अब वो करना कैसे है, यहाँ से 2 महीने क्या करें हम ऐसा कि अब तक जो नहीं हुआ वो अब हो जाए, या जो फर्स्ट टाइम है उनका भी हो जाए। देखो जो सबसे फर्स्ट चीज़ तुम करो ना, तुम यहाँ से ना आई विल सजेस्ट तुम 3 से 4 पेपर्स उठा लो, प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा लो। आई टेल यू द रीज़न। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल तुम्हें लग रहा होगा यार एनसीईआरटी कर रहे हैं हम, रेफरेंस बुक्स कर रहे हैं हम, इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो अभी प्रीवियस ईयर पेपर तुम 15 दिन पहले लगाएंगे और हम चेक करेंगे कि भाई हम कितने पानी में हैं। तो ये पानी वाली चीज़ें तुम पानी बाद में चेक करना, ठीक है। अभी तुम क्या करो, यहाँ पे 3 से 4 पेपर उठाओ और हर एक क्वेश्चन उस पेपर का तुम लोग अच्छे से सॉल्व करो। अब रीज़न बताऊँगी क्यों। फॉर एग्जाम्पल जब तुम हर एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तुम्हें ये पता चलेगा कि भाई इवन तो मेरा चैप्टर प्रिपेयर्ड है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, हमने एक चैप्टर प्रिपेयर किया और हम उसके जब क्वेश्चन लगा रहे हैं वो क्वेश्चन हमसे बनते नहीं है। अब इसका रीज़न क्या होता है, जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं हम अलग ही कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं और टेस्ट में क्वेश्चंस एकदम अलग ही आ रहे हैं। तो हमें आइडिया ही नहीं है ना यार क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे हैं। तो जब तुम्हें ये आइडिया लग जाएगी कि क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं, तुम आराम से पेपर को सॉल्व कर पाओगे। अब ये आइडिया आएगा कैसे, तुम 3 से 4 पेपर उठाओ, हर एक क्वेश्चन को रीड करो, तुम्हें आए ना आए। इससे क्या होगा, जब तुम क्वेश्चन को रीड करोगे तुम समझोगे, तुम्हें पता है कि भाई ऑलरेडी तुम 11th 12th पढ़ चुके हो राइट। तो तुम्हें ये पता होगा कि भाई कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। और जब तुम क्वेश्चन को रीड करोगे तुम्हें समझेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर वो क्वेश्चन कैलकुलस का है तो वो प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, या वो ट्रिक्स, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो तुम्हें डायरेक्टली आंसर निकाल के देता है, या वो कैलकुलस का है, या वो फॉर एग्जाम्पल डिफरेंशियल इक्वेशन में से हो रहा है, या फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर में से, या ट्रिग्नोमेट्री या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में से। देखो तुम अभी जो प्रेपरेशन कर रहे हो, तो प्रैक्टिस कर रहे हो, दैट्स ग्रेट, दैट्स वेल एंड गुड। बट यहाँ पे तुम्हें समझना होगा कि भाई एक्चुअल अप्रोच कैसी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल तुम यहाँ पे बहुत सारे, तुम 100 क्वेश्चन करके गए और कॉन्सेप्ट वही है, बट जब तुम वहाँ पे टेस्ट में जा रहे हो वहाँ पे एक क्वेश्चन आया और वो कॉन्सेप्ट वही है बट उसके अंदर और एक्स्ट्रा लॉजिक लगना है। तो यार ये 100 क्वेश्चन की मेहनत तो वेस्ट हो जाएगी ना। तो तुम यहाँ पर सिंपली क्या करो, तुम पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करो। इससे क्या होगा, तुम्हें ये समझेगा कि भाई हर एक चैप्टर का डिमांड क्या है, चैप्टर कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। और एक बार तुम्हें एक राइट स्ट्रैटेजी, राइट अप्रोच पता चल गया ना, क्वेश्चंस अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस हैं वो किस वे में हो रहे हैं, उनमें क्या किस वे का चीज़ें लग रहा है। तो यहाँ से बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग तुम्हें बनेगी। ओके तुम्हें समझेगा कि भाई अच्छा ये क्वेश्चन है। और चीज़ तुम जब तुम 3 से 4 पेपर सॉल्व कर लोगे ना, तुम्हें एक चीज़ समझेगी कि भाई ट्रेंड सबके सेम है, क्वेश्चन सारे सेम है बट नंबर्स चेंज हो रहे हैं, ये चीज़ हो रही है। तो बेटर इज़ तुम पेपर्स को एनालाइज करो और तुमने एक बार तुम्हें समझाना कि भाई इस चैप्टर के इस वे में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कुछ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है क्वेश्चंस में। वो मॉडिफिकेशन कब समझ आएंगे, तुम डायरेक्टली टेस्ट में बैठोगे तो वो मॉडिफिकेशन समझ आएंगे, तो उस टाइम पे रिग्रेट करके फायदा नहीं है। अभी तुम बैठो थोड़ा सोचो उन क्वेश्चंस को लेके, और जब तुम्हें एक बार ट्रेंड मालूम पड़ गया ना क्वेश्चंस किस वे के हैं, तो उसी वे में अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करो, उसी वे के क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट करो। अब इससे होगा क्या, अब तुम इन क्वेश्चन से फेमिलियर हो जाओगे, तो टेस्ट में भी तुम्हें इतनी डिफिकल्टी नहीं होगी कि भाई तुम फर्स्ट टाइम उन क्वेश्चन को टैकल कर रहे हो। तुम्हें पता है कि भाई ये क्वेश्चन है, उसमें ये कॉन्सेप्ट और हल्का सा ये लॉजिक लगेगा और मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और देखो 120 के 120 क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे, कुछ होंगे ईजी, कुछ होंगे मीडियम और कुछ होंगे डिफिकल्ट। डिफिकल्ट पार्ट को हटा देंगे, हमारे पास मीडियम है, हमारे पास ईजी है। तो तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि भाई ईजी क्वेश्चन कौन से चैप्टर के है, मीडियम क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से आ रहा है। उन चैप्टर्स की पकड़ इतनी अच्छी होनी चाहिए ना तुम्हारी कि भाई वो क्वेश्चन आया तो मैं यू कर लूँ सॉल्व उसको। क्योंकि तुम डिफिकल्ट चैप्टर को छोड़ रहे हो, यू स्टिल हैव ईजी और मीडियम, और ईजी और मीडियम का मेजॉरिटी ज़्यादा होता है क्वेश्चंस का, ठीक है। तो तुम्हें ये चीज़ें समझनी, जो चीज़ें डिफिकल्ट लगी उसे छोड़ दो, यू स्टिल हैव 2 months, अच्छे से प्रिपरेशन करो। और ऐसा मत करना कि तुम लास्ट में पेपर लगा रहे हो, स्टार्टिंग में पेपर लगाओ, क्योंकि क्वेश्चंस का जब पैटर्न मालूम हो जाएगा तो तुम्हें समझेगा कि भाई किस वे में हमारा दिमाग चलना है, किस वे में हमारे लॉजिक्स आने हैं। ये जब चीज़ें होंगी तो तुम्हारा प्रिपरेशन, तुम्हारा वो भी एक लेवल्ड वे में चलेगा, ओके। तुम फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी कर रहे हो, आरडी कर रहे हो, तुम्हें लास्ट तक पता ही नहीं यार क्वेश्चंस किस पैटर्न क्या आने हैं, तो क्या फ़ायदा उसका। तुम अभी पैटर्न जान लो और उस पैटर्न के हिसाब से वर्क करते रहो। इवन तो तुम्हें पैटर्न पता चल गया और तुम वही एनसीईआरटी आरडी लगाओ, बट तुम्हें पता है ना कि भाई पैटर्न किस, क्वेश्चंस किस पे में आ रहे हैं। एक बार ये चीज़ें क्लैरिटी बैठेगी ना तो तुम्हारी सारी चीज़ आसान हो जाएगी, ओके। होप यू लाइक द वीडियो गाइस, ऑल द बेस्ट, अच्छे प्रिपरेशन करते रहो।